नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। दो दिनों पहले बिहार के चर्चित बाहुबली नेता सिवान से सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल की खबर सामने आई थी। उनके इंतकाल की खबर के बाद कई गंभीर सवाल भी उनके समर्थक, उनकी पार्टी आरजेडी, उनके परिजन ने खड़े किए। कई आरोप जेल प्रशासन पर लगाए गए, कई आरोप सरकार पर लगाए गए। सबसे पहले जेल प्रशासन पर आरोप लगा कि उसने कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को उनके साथ रखा। दूसरा आरोप ये लगा कि जब वो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं थे तो उन्हें अस्पताल क्यों ले जाया गया। तीसरा आरोप ये लगा कि अस्पताल ले जाकर भी उनका इलाज नहीं किया गया ढंग से। एक ऐसे अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया जिसकी स्थिति बद से बदतर थी। तो कई गंभीर आरोप जेल प्रशासन पर उनके वकील, उनके समर्थक, उनके परिजन लगा रहे हैं। लेकिन निधन के बाद उनके परिजन इस बात को लेकर लगातार हवाला दे रहे थे कि वो उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव प्रतापपुर यानी सिवान जिला में ही करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे थे। इसके लिए कोर्ट भी जाया गया, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही होगा। हालांकि अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम भी होगा। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़ा किया है और इस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है अपने ट्वीट में कि आखिर क्यों एक गमजदा परिवार को उसके परिजन का शव नहीं दिया जा रहा है ताकि वो अपने रीति रिवाजों के साथ उनकी आखिरी विदाई दे सके। वो ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर वाले उनकी तत्वीन सिवान में करना चाहते हैं, अधिकारी इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उनकी मैयत को घर वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का ठीक से इलाज नहीं हुआ था, उन्हें एक कोविड-19 के मरीज के साथ रखा गया था। वो दूसरा एक और ट्वीट करते हैं कि कम से कम उनके गमजदा घर वालों को उनके आखिरी रसूमात उनके हिसाब से करने से तो नहीं रोका जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो कोविड-19 के तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे। तो ये AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनका जो आखिरी अंतिम संस्कार है वो उन परिवार अपने हिसाब से करना चाहता है तो उसे करने देना चाहिए। जो तमाम गाइडलाइन है कोरोना कि वो उनका पालन करेंगे। इसी को लेकर बिहार के भी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो कि विधायक भी हैं AIMIM के, वो भी इस मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप उन्हें भी सुन लीजिए। जनाब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर हम सबों के लिए बड़े सदमे की बात है। बिहार ने जुर्रतमंद और बहादुर सियासतदान खो दिया है। ऐसे वक्त में उनका पूरा खानदान गम में डूबा हुआ है, पूरी मुल्लत गम में डूबी हुई है और दलितों, पसमानदों, महरूम और मजलूम लोगों की, जो लोग भी सियासत करते हैं, ऐसे तमाम तो लोग होंगे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह तबारक महरूम की मफरत फरमाए, उनकी लवजिशों को माफ फरमाए और उनके खानदान और उनके मुतलकीन को इस गम को बर्दाश्त करने के ताल्लुक से सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम की लाश अब तक उनके खानदान के हवाले नहीं की गई और ये भी सुना कि अब मामला कोर्ट में है। इस बात को सुनकर बड़ा सदमा और अफसोस है कि एक मौजूद रुकन पार्लियामेंट साबिक उनकी लाश के साथ ये बेहुरमती नहीं तो क्या है। अगर बिलफर्ज अगर उनको कोविड हुआ भी हो, जिसकी पूरी तहकीक अब तक हम तक नहीं पहुंची है, तो कोविड के वसूल जवाबित के मुताबिक भी लाश को उसके परिजनों, उसके खानदान के हवाले करने में कोई हर्ज नहीं है। और बेशुमार जो लोग अभी कोविड से जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी लाश उनके खानदान वालों को दी गई है, चाहे वो श्मशान ले गए हों, चाहे कब्रिस्तान ले गए हों, आखिरी रसूम की अदायगी का हक है उनको। लेकिन एक मुअज्जज रुकन पार्लियामेंट जो रहे और उनके लाश के साथ ये बेहुरमती हो रही है, ये बहुत सदमे की बात है। उनका खानदान गम में डूबा हुआ है और उसको दोहरा गम दिया जा रहा है। मैं इस वक्त मरकजी क्यादत से, बिलखसूस वजीर सेहत और वजीर दाखिला से गुजारिश करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं बिहार के वजीर आला से भी, बिहार के दूसरे जिम्मेदार सियासतदानों से भी, कि बिहार के एक सपूत का इंतकाल हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके घर वालों तक की ख्वाहिश के मुताबिक उनको अपने खानदानी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए उनकी मदद करें।
उनके मुतालिक जो पार्टी रही राष्ट्रीय जनता दल, मैं समझता हूं कि डॉक्टर शहाब के जो एहसान हैं इस पार्टी पर, उस एहसान का बदला उनके हाथ में क्या चुकाया गया नहीं चुकाया गया, मैं समझता हूं कि आखिरी मौका है उनके एहसान के बदला को चुकाने का, उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मैं मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से न सिर्फ अपने गम का इजहार, मरहूम के लिए दुआ मगफरत, उनके पसमानदगान के सब्र जमील की बात करता हूं, बल्कि मैं मरकजी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि किसी शख्स को हवा देने की जरूरत नहीं है, मरहूम की लाश उनके खानदान वालों के हवाले किए जाए। ये पूरे मुल्क में फैले हुए जो अमन पसंद लोग हैं उनका मुतालबा है कि मरने के बाद किसी की लाश के साथ ये जिल्लत आमेज सुलूक नहीं किया जाए, उनके खानदान वालों को दिया जाए और ताकि उनकी आखिरी रस्म की अदायगी हो सके। मैं जिम्मेदारों से एक बार पुरजोर गुजारिश करता हूं कि आपके अख्तलाफ उसकी जिंदगी में रहे होंगे, मरने वालों से कोई अख्तलाफ बाकी नहीं रहता है। ये मौत की घड़ी सबको आनी है, कौन किस हाल में मरना है, कोई ये जोम में मुबतला न रहे जिनके पास कुर्सियां हैं जिनके पास इख्तदार है। ऐसा नहीं है कि फूल की सेब की उनकी मौत होगी, ये मौत सबको आनी है, इसलिए मरने वालों के साथ उनके मुताबिक ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं तमाम मुतल्लिकीन से कहता हूं कि सब से काम लीजिए, हम समझते हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ जहद से ये मुतालबे किए जा रहे हैं, यकीनन है कि मरकजी क़यादत इस मामले में आसानी का मामला। तो कई गंभीर सवाल तो खड़े हुए ही हैं, साथ ही आरजेडी पर कुछ आरोप भी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगा रहे हैं कि किस प्रकार से मोहम्मद साहबुद्दीन उनके साथ खड़े रहे लेकिन आज उनके साथ आरजेडी खड़ी नहीं है। अशदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं कि एक परिवार, गमजदा परिवार, अगर चाहता है कि अंतिम संस्कार वो रीति रिवाजों के साथ अपने पैतृक गांव में करे तो उसे इस बात का, इस कार्य का हक है और उसे यह दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का कुछ और फैसला सामने आ रहा है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।